हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चना चाट मसाला और यह बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने गैस पर एक कुकर चढ़ा दिया है। इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे और यहाँ पर हमने काबली चना लिया था, इसे हमने रात में भिगोकर रख दिया था। तो हमने यहाँ पर एक कटोरी काबली चना इसमें लिया है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। और काबली चना को अब हम कुकर में डाल देंगे बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हमने काबली चना को डाल दिया है। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच थोड़ा सा नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद इसे इस तरह से हिला देंगे ताकि ये नमक चारों तरफ मिल जाए। और अब हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और इसे हम एक से दो सीटी तक उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर देखिए, दो सीटी हमने इसमें लगा लिया है। तो अब हम इसका जो प्रेशर है वह निकाल लेते हैं और ढक्कन खोलकर अब हम चना को देख लेते हैं कि चना हमारे अच्छे से पक चुके हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, काबली चना हमारे बहुत ही अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुके हैं और इसे हम इस तरह से चम्मच से निकालकर इस तरह से हाथों से इस तरह से मैश कर देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यह बहुत ही अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस पर पैन चढ़ाएँगे। पैन गर्म होने पर इसमें हम दो से तीन चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तो यहाँ पर अब हम एक चम्मच जीरा डालेंगे और यहाँ पर एक चम्मच हरी मिर्च। अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च कम डालें। और यहाँ पर हमने बारीक काटकर प्याज रख लिया था, तो इसे भी हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने दो मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर रख लिया था, जिसमें से हमने थोड़ा सा प्याज इसमें डाला है और बाकी जो प्याज बचा है वह हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। तो प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्याज जो है वह हल्का ब्राउन हो चुका है। और यहाँ पर हम आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। ध्यान रखें, नमक हमने पहले भी डाला है तो हम नमक थोड़ा ही डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। और अब हम यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ का बारीक काट कर टमाटर इसमें डाल दिया है और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे। और टमाटर और प्याज हल्का सॉफ्ट हो जाने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हम इसमें अब धनिया पाउडर डाल देंगे और अब हम आधी छोटी चम्मच इसमें चाट मसाला पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर गरम मसाला का भी पाउडर डाल सकते हैं, उससे भी जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिला देते हैं और इन मसालों को हम एक मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर मसालों को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब हम इसमें जो हमने बॉयल कर चना रखा था वह हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने बॉयल किया हुआ चना डाल दिया है और इन सारे चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिला देंगे। और अब हम इन सारे चीज़ों को एक से दो मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसे एक से दो मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे ताकि इसका स्वाद जो है बहुत ही अच्छा है। और नमक डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। और यहाँ पर अब हम गैस का फ्लेम जो है वह बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे और जो हमने बारीक कटा हुआ प्याज बचा कर रखा था वह हम इसमें डाल देंगे। चना चाट मसाला में अगर आप इस तरह से कच्चा प्याज डालेंगे तो यकीन मानिए, जो चना चाट मसाला वह बहुत ही स्वादिष्ट खाने में लगती है। और यहाँ पर हमने दो चम्मच टमाटर इसमें डाल दिया है और सारे चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। और यह देखिए, चना चाट मसाला हमारा बनकर तैयार है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की सिंपल और ईजी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।